हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बीएड सेकंड ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें हम पढ़ेंगे सारिडियन के बारे में, जिसे हम टैबुलेशन कहते हैं। जानेंगे टैबुलेशन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और इसकी सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में इस क्लास में इस पर चर्चा की जाएगी। आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे सारिडियन क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किसी भी अनुसंधान में संकलित किए गए संख्यात्मक तथ्यों को स्पष्ट, सुविधाजनक व क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही सारिडियन या टैबुलेशन कहलाती है। टैबुलेशन जो शब्द है, ये टेबल से निकल कर आया है। टेबल किसे कहते हैं, तो सारिडी को कहते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, लेकिन अब भी अगर नहीं समझ में आई तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई मार्कशीट होगी, हाई स्कूल की होगी, इंटरमीडिएट की होगी या फिर फर्स्ट ईयर की होगी, कोई भी किसी भी क्लास की मार्कशीट होगी, तो उसमें क्या होता है, एक टेबल बनी होती है। टेबल के थ्रू हमें क्या मिलता है, मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें कई सारे कॉलम्स बने होते हैं, पूरी टेबल ही बनी होती है। तो टेबल में एक कॉलम में हमारे सब्जेक्ट लिखे होते हैं, एक कॉलम में हमारे प्राप्तांक और एक कॉलम में हमारे पूर्णांक लिखे होते हैं, और टोटल भी नीचे योग पूरा लिखा होता है। तो ये क्या है, ये सारिडियन की ही प्रक्रिया है। जो टेबल बनी होती है, उसमें चीज़ों को अच्छे से, क्रमबद्ध तरीके से, स्पष्ट तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये क्या है, सारिडियन ही है। उसमें हमें क्या होती है, काफ़ी सुविधा होती है चीज़ों को जानने में। अगर मान लीजिए कि हमें हिंदी के मार्क्स जानने हैं अपनी मार्कशीट में, तब हम सिर्फ एक कॉलम देख लेते हैं जिसमें हिंदी लिखा हुआ है। तो हिंदी वाला अगर आप कॉलम देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कितने में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, भले ही आप पूरी टेबल ना देखें। तो हमें वहाँ से क्या होती है, सुविधा भी होती है। तो यही हमारी सारिडियन की प्रक्रिया है। जो मार्कशीट आपको मिली है, उसमें सारिडियन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे देखिएगा, सांख्यिकी में संकलित किए गए समंकों का वर्गीकरण करने के बाद वर्गीकृत सामग्री को सरल, सुविधाजनक व संक्षिप्त रूप देने के लिए उसे उचित प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता भी होती है, ताकि जो निष्कर्ष निकले उसे यथोचित निष्कर्ष उसका निकाला जा सके। सांख्यिकीय समंकों को प्रदर्शित करने की इसी सुव्यवस्थित पद्धति को हम सारिडियन या टैबुलेशन कहते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ से चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि सारिडियन क्या है। कहीं भी आपको टेबल बनी दिख जाती है, तो वह क्या है, टेबल में हमें अच्छे से चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं, वही हमारी सारिडियन की प्रक्रिया है। आगे देखिएगा, यदि आप एक अनुसंधानकर्ता है, मान लीजिए उसके तौर पर किसी उद्देश्य के समंक को या तथ्यों को एकत्र करते हैं, लेकिन उन तथ्यों को बगैर व्यवस्थित किए ही छोड़ देते हैं, आप टेबल में उनसे नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके द्वारा एकत्रित किए गए जो तथ्य थे, उनको दूसरों के द्वारा समझ पाना कठिन है। अगर जो हमें हमारी जो मार्कशीट मिलती है, उसमें अगर टेबल ना बनाई जाए, कॉलम्स ना बनाए जाएं, तो हमें कैसे पता चलेगा। हो सकता है कि कई साल के बाद अगर हम अपनी मार्कशीट देखें, तो हमें ये भी ना पता चले कि किसमें कौन से मार्क्स हमें मिले हैं और कौन से पूर्णांक क्या है, ये चीज़ें हमें पता ही ना चल पाएँ। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसने इन चीज़ों को ऐसे छोड़ दिया है, मान लीजिए आप ही हैं और आपने कई सालों के लिए चीज़ें ऐसे छोड़ दी हैं, उसमें अच्छे से उसको प्रस्तुत नहीं किया है क्रमबद्ध तरीके से, तब आप भी उसे समझ ना पाए, उन अव्यवस्थित तथ्यों को समझने में आपको भी कठिनाई हो, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अब आगे देखिएगा इसका अर्थ, तो सारिडियन जो है, ये समंकों की खानों यानी कि कॉलम्स और पंक्तियाँ, जिसे रोज कहते हैं, इसके रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह वर्गीकृत समंकों को सरल व स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का एक विशेष तरीका होता है, ताकि अध्ययन करने वालों का ध्यान आसानी से इन महत्वपूर्ण सूचनाओं की तरफ आकर्षित हो सके। तो ये होता है सारिडियन का अर्थ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारिडी या टैबुलेशन क्या है। देखिए, यहाँ पर एक सारिडी बनी हुई है, कॉलम्स बने हुए हैं और रोज भी बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर व्यवस्थित की गई है। ऊपर क्या हमारे सब्जेक्ट लिखे हैं, विज्ञान, कला और वाणिज्य, ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर आय दी गई है, उच्च आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, और नीचे आप देख सकते हैं योग भी लिखा गया है सारे का। तो ये हमारी टैबुलेशन की प्रक्रिया है, जहाँ पर चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित है। मान लीजिए आपको उच्च वर्ग का वाणिज्य में मार्क्स देखना है, तब आप आसानी से यहाँ देखेंगे 10 मार्क्स, और इधर से उच्च आय वर्ग देख लीजिए तो यहाँ पर 10 मार्क्स है।
तो आसानी से आपको सुविधा होती है चीज़ों को देखने में, और यही हमारी क्या है, सारणियन है। तो हो सकता है कि आपको अच्छे से अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम जानेंगे कि सारणियन की परिभाषा कौन कौन सी है। पहली परिभाषा है LR कॉर्नर के अनुसार कि सांख्यिकीय तथ्यों का ऐसा क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण जो किसी विशिष्ट विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य के लिए किया गया हो, सारणियन क्या है। अगली परिभाषा है सेक्राइस्ट ने कहा है कि वर्गीकरण के पश्चात किए जाने वाले विश्लेषण को ही स्थायी व एक समान तथ्य को तुलना परिस्थिति की योग्य बनाने का साधन ही सारणियन कहलाता है। अगली परिभाषा ब्लेयर के अनुसार है, इन्होंने कहा कि विस्तृत रूप में देखा जाए तो संकलित किए गए तथ्यों को खानों एवं पंक्तियों में क्रमबद्ध रखने की व्यवस्था ही सारणियन कही जाती है। क्रॉक्सटन एवं क्राउडन के अनुसार है कि सांख्यिकीय तथ्यों को इस तरह व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना कि भविष्य में स्वयं या अन्य अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग में ला सके, यही हमारी सारणियन कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषा थी जो आपने देखा है। इन परिभाषा को आपको याद रखना है और अपने एग्जाम में लिखना भी है। अब देखेंगे सारणियन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये इसका उद्देश्य है। सारणियन का उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से समंकों या अंकों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जा सके ताकि भविष्य में जो भी समंकों का इस्तेमाल करना चाहे उसे समझने में बिल्कुल भी कठिनाई न हो। अगला उद्देश्य है आंकड़ों को संक्षिप्त ढंग से प्रकट करना। तो इसका ये भी उद्देश्य है कि आंकड़ों को संक्षिप्त ढंग से प्रस्तुत करना करना होता है, इसके किसी भी अनुसंधानकर्ता को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी होती है। अगला उद्देश्य है समस्या को स्पष्ट एवं तुलनीय बनाना। तो देखिएगा कि सारणियन के माध्यम से किसी भी समस्या को स्पष्ट व तुलनात्मक रूप से अधिक सरल बनाया जा सकता है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और अगला है विशेषताओं का स्पष्टीकरण। संकलित समंक तथा तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर व्यवस्थित रूप से सारणी के माध्यम से दर्शाना काफ़ी आसान हो जाता है। अगला उद्देश्य है अनेक प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर देना। तो संकलित समंकों को सारणी में प्रस्तुत करने से अनेक प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर सुगमता से मिल जाते हैं, जिससे अनुसंधानकर्ता या किसी भी सामान्य व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। मान लीजिए कि आपको मापन, मूल्यांकन और आकलन का उत्तर देना है, तब आप इसे टैबुलेशन की प्रक्रिया से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे देंगे? तब आप तीन रो बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मापन, और यहाँ पर मूल्यांकन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आकलन लिखेंगे। तो आप इसी रो में अपना आंसर दे सकते हैं और चीज़ें अच्छे से आपको भी समझ में आएंगी और जो देखेगा उसको भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, और एक जगह पर आपके तीनों आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं आप मापन, मूल्यांकन और आकलन के बारे में। तो इसे भी हम सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं चीज़ों के आंसर को भी। अगला देखेंगे क्या है सारणियन का महत्व दिया गया है। जटिल समंकों को सरल बनाना इसका महत्व है। तो सारणियन के तथ्यों का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है, इसकी सहायता से जटिल तथ्यों को भी सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला महत्व है कम स्थान में अधिक से अधिक जानकारी देना। तो इसमें हम समय स्थान और धन की बचत भी कर सकते हैं और इसके द्वारा अधिक से अधिक सूचनाओं को कम स्थान में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। अगला है चित्रमय प्रदर्शन करना। तो सारणियों के माध्यम से संकलित तथ्यों को बिंदु, रेखा एवं चित्रों के रूप में अधिक सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है तुलनात्मक अध्ययन संभव है इसके थ्रू। तो सारणियन के माध्यम से दो या दो से अधिक सांख्यिकी श्रेणियों के आपस में आसानी से तुलना की जा सकती है। अगला है सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता होती है। तो सारणियन के माध्यम से सांख्यिकीय अध्ययन सरल हो जाता है, जिसके कारण विभिन्न सांख्यिकीय तथ्यों का विश्लेषण करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये आपने जाना इसके महत्वों, कई सारे महत्वों को। अब जानिएगा कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि दोष भी कुछ हैं। तो विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। सारणियन को समझने के लिए हमें विशेष ज्ञान का होना आवश्यक माना जाता है, इसके लिए पर्याप्त अनुभव हमें होने चाहिए।
अगला है गुणात्मक तथ्यों का अभाव रहता है। सारणियों में केवल समंको यानी संख्यात्मक तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है, उसमें हम उनका बहुत ही अच्छे से डिटेल में किसी चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं। अर्थात सारणियन के माध्यम से गुणात्मक तथ्यों को दर्शाया नहीं जा सकता है। अगला क्या है, केवल पूरक के रूप में प्रयोग। तो सारणियन का प्रयोग किसी अनुसंधान के लिए विवरणात्मक विश्लेषण के पूरक या सहायक के रूप में ही किया जा सकता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं यानी कि लिमिटेशंस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा सारणी के प्रकार, तो दो प्रकार होते हैं, पहला है सामान्य उद्देश्य सारणी और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य सारणी। पहला देखिएगा सामान्य उद्देश्य सारणी क्या है, तो यह सारणी प्रायः बड़े आकार की होती है जिसमें काफ़ी आंकड़े दिए गए होते हैं। यह एक प्रकार से आंकड़ों का भंडार होती है और भारत सरकार तथा इसके विभागों द्वारा प्रस्तुत सारणियाँ सामान्य उद्देश्य प्रकार की होती हैं। ऐसी सारणी से हम छोटी छोटी सारणियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है विशिष्ट उद्देश्य सारणी, तो यह सारणी छोटी होती है आकार में और इसे हम समान उद्देश्य के लिए प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य किसी विशेष पहलू को उजागर करना होता है और इसकी सहायता से हम किसी पहलू का विशेष उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके प्रकार हुए सामान्य और विशिष्ट सारणी। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है, आपने जाना है कि सारणी क्या है, सारणी का महत्व, उद्देश्य और इसकी सीमाएं क्या है, इसका अर्थ। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको यहाँ से चीज़ें अच्छे से अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।